इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो, बहुत बड़ी कवरेज 4 केपीटी की। पीटीआई टीचर के साथ प्रिंसिपल का ऐसा कोई हो गया, क्या स्कूल में राजनीति चल रही है या राजनीति में स्कूल चल रहा है? आप तस्वीरों देख रहे हो, बहुत बड़ी कवरेज है। बच्चों की जो शिक्षा का मामला है, बच्चों का जो शिक्षा का मामला है, आज बच्चे गेट बंदी कर रखी है, क्योंकि बच्चे और शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बात है। परीक्षाएं चल रही है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, बच्चे कितने परेशान हैं, इस बात को लेकर बच्चों ने आज तालाबंदी कर रखी है। कल इधर अधिकारियों ने, शिक्षा अधिकारियों ने विजिट किया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, क्या मामला है? बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के अध्यापक हैं और प्रिंसिपल, उनसे बातचीत करेंगे। बच्चों में इतनी निराशा क्यों है? हमारे साथ बच्चे हैं, इसमें क्या मामला, क्या बात है, आप किस लिए धरना कर रहे हो? हमें हमारे पीटी सर चाहिए, हमें सुमन मैम को हटाना है, क्योंकि वह खुद पैसे खाते हैं, पीटी सर पर इल्जाम लगाती है। अच्छा, क्या आपका अभी तालाबंदी कर रखा, क्या अभी टीचर अंदर हैं स्कूल के या बाहर हैं? टीचर सुमन मैम की साइड में अंदर बैठे हैं, जब तक हमारे सर नहीं आएंगे तब तक। कल समझौता हुआ था, अधिकारी आए थे, ये प्रयास करेंगे शांति पूरा करेंगे, क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने ऐसे कहा, अधिकारियों ने पीटी सर को गाली निकाली और उन्हें रुलाकर स्कूल से बाहर निकाला। दोस्तों, आप देख रहे हो, क्योंकि पीटीआई एक शिक्षा अधिकारी अगर उसको ऐसे प्रताड़ित करता, उसने रिजाइन दे दिया, मामला गंभीर है। रिजाइन देना, एक प्रताड़ित करना अधिकारियों के लिए बहुत मंदभागी घटना है। इस शिक्षा के लिए, अगर शिक्षा में ऐसी घटना होती है तो एक बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा क्यों हुआ कि रिजाइन देना पड़ा पीटीआई को? सर, वो तो अधिकारी और संस्था प्रधान ही बता पाए ना, हमें तो ध्यान नहीं, हम तो स्टाफ हैं। नहीं, स्टाफ तो सर आपको तो पता था मामला क्या है, क्यों उसको रिजाइन देना पड़ा, इतना क्यों तो प्रताड़ित हो गए कि उसको एक रिजाइन देना पड़ा? हम तो उस समय अपनी क्लासों में थे। जी जी, ध्यान ही नहीं है। जी जी, संस्था प्रधान अधिकारी साहब बैठे तो सर जी हैं उसके बाद। योगेंद्र जी, क्या हो रहा है ये आप देख रहे हो? वो भी हो रहा है। नहीं नहीं, क्या हो रहा है, राजनीति में स्कूल चल रहा है या स्कूल में राजनीति चल रही है? दोनों ही बात है। कुछ है, बाहर की राजनीति है। हाँ जी, उसके कारण ये कॉलेज का बना। नहीं, अभी यह मैडम यहाँ से चलेगी, पिछले गेट जाना पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये फ्रंट वाला गेट छोड़ के पीछे से भागना पड़ा, ऐसा कौन सा आफत आ गई? आप देख रहे हो उनको? मैं देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा ही हूँ। तो यहाँ कल अधिकारी आए थे, तो उन्होंने पीटीआई टीचर को ऐसे प्रताड़ित किया कि वो रिजाइन देना पड़ा। उन्होंने रिजाइन तो दिया है? नहीं नहीं, मतलब इतनी मंशा तो इसकी यही है, अभी प्रताड़ित तो किया है। सर ऐसा है, आप आए हो आप हमारे साथ, यहाँ जो हो रहा है, हम यहाँ रहते हैं 40 सालों से, यहाँ रहे, यहाँ पहले भी हुआ एक, तो अभी कोई भी इसकी गौर नहीं हो रही है और ये मनमानी करते हैं। अब बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है, इनकी तो मनमानी चल जाएगी, ये बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा है। सर, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आए हो और आप इंसाफ दिला के जाए, ये आपके को तो पाम नहीं, 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 70 साल लिए हैं सर मैंने, मेरे बच्चे 5 पढ़े हैं स्कूल में, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, और अभी बाद हो तो मेरे बच्चे सब हट के रावला स्कूल में चले गए, यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। लड़की को इन्होंने जोर मार लिया, प्रिंसिपल कहने लगा कि मैंने वो कहने लगी नहीं, मैं यहाँ है ही नहीं तो मैं क्या पढ़ूँ। अभी की ये है सर, यहाँ प्रिंसिपल लगाया जाए और ये कार्यवाहक प्रिंसिपल जो इस पद पे है, इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, तब ये स्कूल चलेगा। स्कूल में बैंकर राजनीति का अप्रोच रखती है मैडम, और इस राजनीति के अप्रोच के कारण इस स्कूल का बेड़ा गर्क हो रहा है। ये मैडम कहाँ की है? मैडम मतलब कैंडी साइड की है। अच्छा, ठीक है ना। और यहाँ जो है शहर को, जैसे मान लो अभी देखो यहाँ काम चल रहा है, डीओ साहब आए कल, यहाँ बोले यहाँ कंकड़ पत्थर क्यों खिंडे हुए हैं, ठीक है, ये मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, 12वीं तक बच्चा खाना क्यों खाते हैं, यानी 12वीं तक बच्चे खाने खाते हैं, उसको बोले बंद करो, क्या करना है कि बाकी कर रहे हैं वो करो, उनका मतलब ये कि बंद करो, हमें भेज दो और इनको खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ खाना नहीं मिलना चाहिए, यहाँ ये गंदगी नहीं दिखी, डीओ साहब को कितनी गंदगी पड़ी है, वो स्कूल में बच्चे खाना खा रहे हैं, वहाँ जो गंदगी है वो शिक्षा अधिकारी साहब को वो गंदगी नहीं दिखी, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ दो टीचर को टारगेट बढ़ा के और उसके अंदर राजनीति करते हुए उनको माइंडली रूप से प्रेशर दिया गया और उनसे मतलब रिजाइन लिखवाया गया है।
ठीक है, उसके खिलाफ ये बैठे हैं। अब टीचर कैसे बच्चों से आज तक जाके टॉयलेट की सफाई करवाते रहे, पिछले 2 साल तक बच्चियों द्वारा टॉयलेट की सफाई करवाई गई, लेकिन एक भी अधिकारी ने आज तक बच्चों को आके ये नहीं पूछा कि आपसे टॉयलेट की सफाई करवाई गई थी कि नहीं करवाई गई थी। टीचर की मतलब टीचर किसी अधिकारी ने आके बच्चों से ये नहीं पूछा कि यहाँ पढ़ाई कैसी चल रही है। ओनली फॉर राजनीति के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इस स्कूल का बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक है,